साथियों, दिन प्रतिदिन स्थिति लॉकडाउन में विकट हो रही है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सारे विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी अभी और अभी चल ही रही है। उसी संदर्भ में अभी यहाँ गिरिडीह मुख्यालय में मैं इस समय सुदीप सोनू जी, सरफराज जी, केदार जी यहाँ पर आए हुए थे और मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिकता के तहत पहले गिरिडीह पे ही बात की और प्रवासी मजदूरों की समस्या कितनी है कि सबसे ज्यादा गिरिडीह से अभी भी प्रवासी मजदूर बाहर हैं। जो हेल्पलाइन नंबर पे ही कॉल आए हैं उनसे ही आंकड़े जो है कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जो है राज्य से बाहर है, जबकि लाखों लोग 28 से पहले जो है आ चुके हैं। और उनकी सबसे बड़ी समस्या अब जो हो रही है, कल तक जो लोग एक दूसरे से मदद भी कर रहे थे, अभी खाने पीने की सबसे ज्यादा रहने की तो दिक्कत है ही। हम तमाम लोगों ने अभी बात की गिरिडीह के चारों MLA ने कि भाई कि उनके आने की सुविधा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अभी उनके खाने की व्यवस्था हो, उनके जो है अकाउंट में जो है पैसा दे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाते में कैसे राशि ट्रांसफर हो, इसके लिए हम जल्द ही जो है कुछ ऑर्डर निकालेंगे और रास्ता निकालेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि यह जो बात हुई है उससे जो है तमाम प्रवासी मजदूरों के खाते में जो है वो पैसा जाने का रास्ता तुरंत जो है निकालेंगे, राशि दी जाएगी, ताकि इस विकट घड़ी में प्रवासी मजदूरों को जो है लाभ मिले। हमने कहा भी है, उन्होंने पूछा कि खाता कैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा है कि इसके लिए पूरी हमारी पंचायत की एजेंसियां हैं, मुखिया हैं, वार्ड सदस्य हैं, अभी शिक्षक है, सारे गांव और टोलों में घूम करके जिनके परिवार के बाहर हैं उनसे वो जानकारी ले सकते हैं। गांव के लोगों को पता है, मुखिया को पता है, उसमें कोई भी 19-20 को चीजें जानकारी होगी, सारे वार्ड सदस्यों को पता है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, शिक्षक, जितने हमारी पंचायत की एजेंसियां हैं इनको इस काम में लगा करके उनका खाता, उनका बैंक अकाउंट लिया जाना चाहिए और तत्काल जो है राशि जो है भेजा जाना चाहिए। दूसरा बात, यहाँ DDC भी थे, हमने कहा जो पंचायतों में अभी जो किया जा रहा है JBL के माध्यम से जो है खिचड़ी, इसको पंचायतों के बजाय उस पंचायत के वैसे टोलों को चिन्हित करके जिनको कोई खेती से नाता नहीं है, जिनके धान चावल नहीं हुए हैं, जो लोग सिर्फ डेली मजदूरी पर आश्रित हैं, उनके टोले मोहल्ले में ये खाने और खिचड़ी का कार्यक्रम चलाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, वो ज्यादा सार्थक होगा।